मिट्टी यहाँ की लेके जा रहे हैं, इतनी भावना कैसे? ये बेलपत्री कहाँ से लिए आप? स्टेज से। अरे वाह। प्रदीप मिश्रा जी आखिरी समय जाते थे क्या बोल कर गए? आप बताई से आया शरीर बने वही तो, और बीमारी है कटी सब है, हाथ गोड़ दर्द है। तो नाती के सहारे के साथ बाबा का सहारा मिल गया? बाबा के सहारे मिला है नाती। अरे मिट्टी में विश्वास है, भगवान का ईश्वर शक्ति है, यही मिट्टी में जन्म हुआ है और जो मांगो भगवान देता ही है। भगवान देता ही है, मेरे साथ तो हुआ ही। नौर से आए जी? अकेले आए कि परिवार के साथ? नहीं अकेले ही हूँ। तो हर बार जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ जाते हैं? जी जी जी। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। केपी न्यूज़ लगातार 25 जुलाई से ही यहाँ पर हो रहे कथा को लगातार आपको दिखाया है और लगातार लाइव कवरेज भी किया है। और आज आखिरी दिन है 31 जुलाई और आज के दिन जो कुछ हुआ वो भी हम आपको लगातार लाइव कवरेज में दिखाए हैं। और लगातार सातों दिन के जो कवरेज है, लगातार सारे अपडेट हम आपको लगातार देते रहे हैं। और आज आखिरी दिन है, आप आसपास की भीड़ देख सकते हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जो आज की जो कथा है 8 बजे शुरू हुई थी और 11 बजे ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद से पंडाल से लेकर सेक्टर 5 चौक तक जो इतनी भीड़ है कि गाड़ियाँ कहीं से भी गुजरने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लगातार सारे रोड में जाम लगा हुआ है। अब लगातार सारे तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम अभी स्पॉट पर आए हुए हैं और कथा समाप्त होने के बाद लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं इस आस से कि जिस पंडाल पर, जिस स्टेज पर बैठ कर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा सुनाया था कि वहाँ पर जाकर माथा टेक सके, ऐसा लोगों का कामना है। और यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को उठाकर चूम रहे हैं और उस मिट्टी को अपने साथ घर लेकर जा रहे हैं। वो सारी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम लगातार 7 दिन कवरेज किए हैं और 7 दिन ऐसे ऐसे दृश्य देखने मिले। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा, श्री शिव महाप्राण कथा को लेकर लोगों के बीच में जो भावना है, जो श्रद्धा है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिली है। और उसके तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाए हैं। आज भी क्या कुछ होगा और बाहर कितनी भीड़ है, कितना जाम लगा हुआ है, सभी चीज़ें हम आपको लगातार दिखाएंगे। और यहाँ पर जो लोग 7 दिन तक रुके हुए थे बाहर से आकर, उन लोगों से बात करेंगे और 7 दिन कथा में क्या कुछ हुआ, उन पर उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया, वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए लगातार लोग जो है अब यहाँ से समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और कथा के बाद लोग यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते निकलते यहाँ की जो मिट्टी है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जो तमाम लोग मिट्टी उठा रहे हैं उन सभी से बात करेंगे। आंटी नमस्कार। नमस्कार। कथा में 7 दिन थे आप? नहीं, पीछे आए थे हम लोग। सर 2-4 दिन पहले आए थे। हाँ। मिट्टी यहाँ की लेके जा रहे हैं, इतनी भावना कैसे बोलते हैं साहब? अपने पहली बार ले गए, पहली बार आ, हमें जानो नहीं है कर बारे में, हाथ पर के दर्द खत्म होते ऐसे बोलते हैं। अच्छा, इसके मिट्टी से। मिट्टी ले जाने से? हाँ। इसको कहाँ लगाएंगे जहाँ दर्द हो? पूरा शरीर में लगाना है। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ की मिट्टी ले जाके बेटा आसन में? आसन में। अच्छा, जहाँ पूजा पाठ? हाँ, वहाँ आसन में कटोरी वोटरी में करके रखा जाता है इसको। अच्छा। हाँ, तो इससे क्या होता है? क्या होता है मतलब भगवान के हम लोग विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास से हम लोग है, विश्वास तो मतलब हम लोग अपना शरीर का, अपना बाल बच्चा का, अपना सब कुछ सुरक्षित रहता है सर। अच्छा। हाँ। प्रदीप मिश्रा जी आखिरी समय जाते थे क्या बोल कर गए हैं? तो हमको तो, हम तो उसको पास में नहीं गए, दूर से अपना दर्शन किए हैं। अच्छा। दर्शन किए आए हैं अपना, उनके दर्शन के लिए लोग इतने दूर दूर से? हाँ, तो दूर दूर से पहले से आए। पतोरा उड़ीसा से आए। उड़ीसा से आए? हाँ, पतोरा सुनने के लिए। हाँ, बाबा के इतना शक्ति है इसलिए हम लोग आ रहे हैं। मैंने शुरुआती दौर पे कहा था कि लोग अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं। हाँ। और देखिए उड़ीसा से आए हैं भैया। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये जो आंटी है ये मिट्टी लेकर जा रहे हैं और उनका कहना है कि इसको मिट्टी में विश्वास है, भगवान का इसमें शक्ति है, यही मिट्टी में जन्म हुआ है, इसी मिट्टी में भगवान का शक्ति है, हम लोग उसका पब्लिक जी रहे हैं, उसी का प्रसाद बना कर हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी मिट्टी लेकर जा रहे हैं यहाँ से? जी सर। क्या है मतलब मिट्टी में क्या भावना जुड़ी हुई है? लोग यहाँ पर आने के बाद अब समाप्त हो गया है कथा, तो लोग मिट्टी घर लेके जा रहे हैं, क्या होगा इससे? इसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है और इस मिट्टी से लगाने से सारा सब चीज, दुख दर्द सब चीज ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसा बाबा ने कहा है? बाबा ने कहा है और हमने करके भी देखा है इसे।
अच्छा। और हमें ठीक लगा, आराम लगता है इससे। अच्छा। आप पिछले 7 दिन का कथा अटेंड किए हैं कि बीच में आए थे आप? नहीं सर, मैं तो शुरू से अटेंड कर रही हूँ, पूरे सातों दिन रहे हैं। सबसे पहले मैं ही यहाँ पर इस पंडाल में आकर के मैं पहले बैठती थी सामने वाले में, 8 बजे से आकर के बैठ जाती थी अकेले। 7 दिन रहे आप, बाबा को सुने और आज समाप्ति हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहती हूँ कि हर साल बाबा ऐसे ही आते रहे और होते रहे शिव महापुराण, और दूर दूर से गांव दरार से सब लोग आए और बाबा का आशीर्वाद लेकर के जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? मैं भिलाई से। भिलाई से हैं? 7 दिन रुके थे कि आज ही आए आप? नहीं, मैं तो मेरा परिवार पूरा आता था। पूरा परिवार आता था सातों दिन। पंडित प्रदीप मिश्र जी ने क्या बताया, कुछ उपाय आज? आपसे बहुत कुछ बताया है। श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा भावना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप भी मिट्टी लेकर जा रहे हैं? मैं बेलपत्री वत्री लेके जा रहा हूँ। बेलपत्री वगैरह कहाँ से मिल रहा है लोगों को? मिलता है सब। अच्छा। भगवान की कृपा से। अच्छा। देखो ये बेलपत्री कहाँ से लिए आप? स्टेज से। अरे वाह। और रक्षाबंधन भी लिया हूँ। रक्षाबंधन में मिल गया है, बढ़िया, मतलब सफल हुआ आना आपका। हाँ, सब प्रभु का लीला है। बहुत बढ़िया। देखिए लोग जो है अब प्रस्थान कर रहे हैं इस जगह से, और बैग वगैरह लेकर आए थे और पूरा बोझा सर पर ले गए। चाची नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से आए थे आप? हम हाँ डोड़की। डोड़की? डोड़की से आए थे, पूरा बस्ता वस्ता लेकर आए थे। सातों दिन रुके थे। हाँ, कैसा लगा 7 दिन? हम हाँ, आज एक दिन, आज बुधवार है, आज के दिन आनंद दादा, एक हफ्ता हो गया है। एक हफ्ता हो गया? हाँ हाँ, पिछले बुधवार को आए थे। हाँ हाँ, इस बुधवार को जा, बुधवार के जाथन। कथा में क्या कुछ सीखने मिला बाबा, क्या बताएं, क्या उपाय बताएं? अब बताई से शरीर बने हुए ही तोर बीमारी है, कटही सब है, हाथ गोड़ दर्द है, ये बनी हो ऐसे की सब बताई से महादेव। अभी हाथ गोड़ दर्द होता है कि नहीं? हाँ अब दर्द है, तो धीरे धीरे आराम हो ही दादा, आराम होगा। हाँ एकदम। मिट्टी लेकर जा रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मिट्टी क्यों लेकर जाते हैं? का भर सब तो बोलते ना अच्छा होते की के। अच्छा, सब हाँ। बोलते हैं मिट्टी लेकर जाने से अच्छा होता है। अच्छा होते की के। अच्छा चाची, आप भी से? हाँ, से। साथ में आए हो आप? अमन जामुन से। जामुन से? हाँ। पूरा बस्ता वगैरह लेके आए थे? पूरा बस्ता। आज एक दिन क्या है ना मन है। अच्छा, यहाँ पर कैसी व्यवस्था कैसी थी महिलाओं की? अच्छा रही से। देसी कोकड़ी जानता है, मेला भरा थे। हाँ, वही पास में भी करा काम है। अच्छा हाँ, चलो बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, बेटा चलिए। देखिए इसी प्रकार से लोग इतने दूर दूर सर आए हैं और बस्ता वगैरह लेकर 7 दिन तक ही रुके हुए थे, और अभी भी बारिश हो रही है, लोग यहाँ से निकलना शुरू कर चुके हैं। पूरे सेक्टर में जाम लगा हुआ है, इतने लाखों की जो भीड़ है अब एक साथ निकल रही है। हम आपको लगातार सारे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जिसे देखकर हम जो है अचंभित हो गए हैं कि भावना, सद्भावना, श्रद्धा लोगों के बीच में इतनी देखने मिली इस बार। तो और भी लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए हैं? कोरबा। कोरबा से आए? पाली। कोरबा पाली। आप बस्ता वगैरह लेके नहीं आए थे? जी नहीं। तो कैसे गुजरा 7 दिन आपका? मेरा नाती यही पढ़ाई करता है। अच्छा। उसी के साथ रहती हूँ। हाँ। और रोज आती हूँ। अच्छा, तो नाती के सहारे के साथ बाबा का सहारा मिल गया? बाबा के सहारे मिला है नाती। अरे बाबा के सहारे मिला है? बाबा के सहारे मिला है। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं कैलाश पर्वत पे आ गई हूँ साक्षात शिव के दर्शन करने। मेरी सारी इच्छा, सारी तमन्ना पूरी हो गई है। तो बाबा से मिलने का मौका मिला था कि नहीं आपको? पहले नहीं मिला था बेटा, पहली बार है। अच्छा, पहली बार कथा सुना आपने? जी। तो 7 दिन की कथा में क्या कुछ सीखने मिला बाबा, क्या उपाय बताए? बाबा बहुत कुछ उपाय बताए, पर उपकार करो, स्वार्थ की भावना मत रखो, दूसरे की भलाई करो, यही उपदेश। अच्छा, आपने तो अपने जीवन में खुद ही व्यक्तिगत काफी सारे अनुभव किए होंगे, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भक्ति के लाइन में थोड़ा बहुत अपने बच्चे लोग को आगे बढ़ाएं, बच्चे लोग भी आगे बढ़ के भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखें। चाची, इतनी बारिश हुई, इतना कीचड़, इतनी अव्यवस्था थी, उसके बाद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई, बारिश से ज्यादा तो लोगों की भीड़ हो गई थी, उसके बावजूद भी कैसे लोग इतना रुक गए, क्या इसके पीछे जादू? श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा अपरंपार है, एकदम अपरंपार है। और जो मांगो भगवान देता ही है। भगवान देता ही है, मेरे साथ तो हुआ ही है। अच्छा, मेरे को जो जो मैं बोली वो सब मिला है, इसी सच्चे में मिला है। मतलब जो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल हो रहा है, लाखों की भीड़ ऐसी ही आई। बहुत बढ़िया। नमस्कार। कहाँ से आए? नमस्ते भैया। श्री शिवाय नमस्ते। मैं कोंका भिलाई से आई हूँ। आप पूरे 7 दिन रुके थे यहाँ पर?
नहीं, 7 दिन नहीं, 2 ही दिन आ पाई हूँ मैं। तो कैसा लगा पंडित प्रदीप मिश्र जी को सुनकर? बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ भी आई हूँ, पिछले साल यहाँ पे हुआ था फिर भी आई थी, और गंडई भी गई थी और वहाँ कोडिया में भी गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर क्षेत्र में आप जाते रहते हैं, जहाँ जहाँ कथा? हाँ, जहाँ जहाँ जा सकती हूँ वहाँ वहाँ जरूर जाती हूँ। कथा स्थल से मिट्टी ले जाने का क्या रीजन है, किस लिए लोग ले जाते हैं? यहाँ से मिट्टी ले जाके वहाँ पे अपने घर पे लेके जाते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, मनोकामना पूरे होने पे फिर से कथा में आते हैं। पाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, हम तो आज ही आए थे, आखिरी दिन है हम लोग। अच्छा। तो देखे बहुत अच्छा लगा यहाँ, यहाँ का जो लोगों का भावना श्रद्धा बैठी है बहुत अच्छा है, और जैसे जैसे भावना रहेगी वैसे वैसे भगवान फल देता है। मेन भावना का ही ये फल, बिल्कुल। हाँ, अपने कर्मों का तो हिसाब, भावना इतनी है कि लाखों की भीड़ यहाँ पर आ गई बारिश होने के बाद। कर्म जो है वो तो अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख मिलता ही है, लेकिन लोगों की जैसे भाव है वो भाव से भगवान उनको जरूर प्राप्ति जरूर होगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा थी, युवाओं की संख्या उतनी नहीं थी जितनी महिलाओं और बड़े बुजुर्ग की थी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा ऐसे हैं, देखो भैया, अब नया अभी से हो रहा है, जैसे परिवर्तन दुनिया है, अभी पहले का जैसे साइंस ने जो इतनी तरक्की की है मोबाइल में, तो आज नई पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी को इनको 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 हर हमारे जो पहले जमाने के जो बच्चे पढ़ते थे उसमें एक आध्यात्मिक जोर होता था सब्जेक्ट, तो उनको आध्यात्मिक सब्जेक्ट के बारे में एक पुस्तक में जोर देना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक पुस्तक पढ़े, उससे हमारे जो पूर्वज जो लोग कैसे रहे हैं, वर्तमान और भविष्य को समझे, अपने जीवन को थोड़ा सुधार सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये संदेश था, और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से आए जी? अकेले आए कि परिवार के साथ? नहीं, अकेले ही हूँ। तो हर बार जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ जाते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। तो 7 दिन रुके होंगे आप? हाँ, 8 रोज, एक रोज पहले आ गया था। अच्छा, एक रोज पहले आ गए जी, मतलब मंगलवार को आ गए थे आप? जी हाँ। और आज बुधवार है, पूरा 8 दिन खत्म हो गया, कथा खत्म हो गई। हाँ। कथा में क्या सीखने मिल रहा है, क्या समझने मिल रहा है, भक्ति के इतनी कैसे बढ़ गई लोग? भक्ति है बाबूजी, ये बहुत बढ़िया से है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, बाबा की तो चाचा इतना बारिश हुआ, इतना कीचड़ हुआ, लोग उसके बावजूद भी हो, बाबा सब रक्षा करता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, रक्षा करता है। बोलते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। होती ना, होती क्या क्या मनोकामनाएं पूरी? अरे हमारे तो सब घर पे हमारे बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा रखते हैं, सुख समृद्ध हो गया। हाँ, सब कम्प्लीट हो गया। हरी ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बहुत बढ़िया। देखिए, हमने शुरुआती दौर में कहा था कि पूरा भिलाई शिवमय हो चुका है, और आज कथा का अंतिम दिन है, और देखिए शिवमय वाकई हो चुका है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, और शिव भगवान को लेकर इतनी भक्ति, पंडित प्रदीप मिश्र जी को लेकर, कथा को लेकर इतनी भक्ति देखने मिली है। लगातार आप केपी न्यूज़ को देखते रहिए, हम लगातार सारे कवरेज आपको दिखाते रहे हैं, लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।